The electrostatic field is zero and in the interior of the conductor. Electrostatic field is zero inside the conductor. Inside the conductor. इसका भांडा फोड़ हम अभी करेंगे चाहिए तो, नहीं तो मैंने अभी कर लेते। चलो इज जीरो, हमेशा ये बोला मैंने, हमेशा ये बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। सर ऐसा क्यों? इंटीरियर इनसाइड, ओके ऐसा क्यों? आज मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलो मान ले, एक्सप्लेन करता हूं, देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं और नेक्स्ट डिस्कशन वही होना है। मान ले कि ये मेटल का टुकड़ा है, देखा ध्यान से सुन, ये हमेशा जीरो ही सर बोलता है, ऐसा क्यों? आखिर में रीजन क्या है? कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अंदर जीरो ही क्यों है? क्या रीजन है? मैं बताता हूं। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को फ्री, कंडक्टर का मतलब ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, रैंडम है, एक ऐसा है कि रैंडम 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 इधर उधर। जैसे ही तूने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, अंदर जाए नहीं जा रहा, जस्ट अज्यूम कर, अभी फिलहाल के लिए अज्यूम कर, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, क्या निकल के आता है बिहेवियर देख। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज प्लस 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 प्लस, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट बिहेवियर कम्स, जस्ट सी, आई एम रबिंग दिस पर्पसली, आई एम रबिंग टू ड्रॉ, पर्पसली आई एम रबिंग टू ड्रॉ। अगर प्लस 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 इधर आया तो ये जो नेगेटिव रैंडम थे, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स, आई रिपीट स्लोली, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जा रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, आई टेल यू, यहां के जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव की तरफ गर्दी कर लेंगे। मतलब इधर जो रैंडम थे, पहले ऐसा नहीं था, पहले कैसा था, जैसा ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, एक्सटर्नल ई एक्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे ये इधर गर्दी करने लगे, सारे नेगेटिव इधर आए तो इधर पॉजिटिव आए। हाँ, तो क्या, देख देख ध्यान से देख, ड्यू टू दी प्रेजेंस, इतना स्लोली बोल रहा हूं, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्स बर्थ, माइनस प्लस। देख यहां पे इलेक्ट्रिक नेगेटिव हो गए, यहां पे नेगेटिव हो गए, मतलब यहां पे पॉजिटिव है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जन्म लिया, अंदर जन्म लिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर जन्म लिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जन्म लिया बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जन्म क्यों लिया, बच्चे क्या बोलते देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जन्म क्यों लिया? नहीं, वो तो इफेक्ट बोल रहा है क्या होगा, मैं पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म लिया ही क्यों। क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, कहे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया नहीं होता तो ये तो अपने सुखी से अपने फैमिली में इधर उधर घूम रहे थे ना इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में थे कि नहीं? अच्छा फर्स्ट ये बोल, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में क्यों थे? चल बे, कंडक्टर बराबर है, बट इलेक्ट्रॉन्स मोशन में ही क्यों थे? क्यों शांत नहीं बैठ सकते, मुंह ही क्यों बनेगा? वो किधर ऑर्बिट में रहते, मतलब घूमते ही रहते ना। वो क्यों घूमते हैं? अच्छा मेरा सवाल है, वो घूमते रहते ना, उनको एनर्जी कौन दिया? तो तू खाएगा तो तेरा एनर्जी का खर्चा होगा कि नहीं, खाना पेट को डालेगा कि नहीं, तो इनका एनर्जी खर्चा नहीं होता, तो ये घूम रहे, अच्छी बात है घूम रहे, मैं कितने डीप में जा रहा हूँ, घूम रहे अच्छी बात है, घूम रहे फ्री है, ओके फ्री है घूमेंगे, बट घूमेंगे तो एनर्जी खर्चा होगा, तो खाना क्या खाएगा, तो खाना कौन डाल रहा है? हाँ पॉजिटिव खाना डालेगा, आकर खाना खाएगा, बच्चे क्या बोलते देखेंगे, घूम रहे हैं ये, घूम क्यों रहे हैं? क्योंकि कंडक्टर है बस, एनर्जी कौन डाला फिर?
बच्चे क्या बोलते देखेंगे रुक। फील, अरे फील था ही नहीं गधी आद्या, फील है ही नहीं अमो, तू तो थर्ड कैटेगरी का है, बोलते प्रॉपर्टी बोलते है। क्या बोलेगा बच्चे, बोलते लॉजिक है ही नहीं, कॉमन सेंस के नाम पे कुछ है ही नहीं। अबे इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, चार्ज बोलते रॉन्ग। हु विल आंसर करेक्ट, वाई इन फॉरगेट अबाउट दिस ऑल, फॉरगेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फॉरगेट एवरीथिंग, बी कम टू बेसिक क्वेश्चन। इट टेक अ कंडक्टर, कम टू बेसिक क्वेश्चन, कम टेक अ कंडक्टर, इन दिस कंडक्टर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दे आर मूविंग बॉस, वाई दे आर मूविंग, बी कम टू बेसिक क्वेश्चन, वाई दे आर मूविंग बॉस, डोंट टेल दे आर फ्री करके, तो लाइक दे कैन बी शांत होते नो, व्हाट इज द नीड टू मूव, अनस्टेबल है, नॉनसेंस, नो। हाँ देख करेक्ट बोला, खुश। फिर आद्या बोली काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रहा है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी उनके पास। अब एक कॉमन सेंस है, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी है, अब मूव कर रहे तो वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रहा है, अब कौन दे रहा है काइनेटिक एनर्जी, कौन दे, दे कौन रहा है काइनेटिक एनर्जी, हाँ न्यूक्लियस काइनेटिक एनर्जी देगा, ले जा भाग खेल ऐसा देगा। हु इज गिविंग काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड आद्या, एकदम अच्छा, टेम्परेचर इज गिविंग द काइनेटिक एनर्जी, सराउंडिंग टेम्परेचर से वो एनर्जी लेता है, सराउंडिंग टेम्परेचर से एनर्जी लेता है, एकदम परफेक्ट है। सो वाई आर कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन, व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, हु इज गिविंग देम काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट, सराउंडिंग टेम्परेचर से उन्होंने एनर्जी लिया, इसीलिए वो मोशन में, नहीं तो मोशन में कैसे रहता, क्यों, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर ये सर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तब हमने पढ़ाया कि गैस मूव क्यों करता है, गैस इसीलिए मूव करता है क्योंकि उसके पास एनर्जी है, कौन दिया, टेम्परेचर दिया, हीट है, तू बोलेगा अभी जीरो डिग्री में तो ठंडी है गधे, वो तेरा फीलिंग है ना, इसका फीलिंग नहीं ना, वो तेरा डेफिनेशन ऑफ ठंडी है ना, मॉलिक्यूल तो नॉन लिविंग क्रीचर है, उसको ठंडी गर्मी से मतलब नहीं, मॉलिक्यूल या कोई भी एटम जो भी है, उनको उनको उनके लिए क्या एनर्जी, एनी टेम्परेचर अबाउ जीरो केल्विन इज थर्मी, एनी टेम्परेचर अबाउ जीरो केल्विन इज गर्मी, मतलब एनर्जी, तो ये शांत कब होंगे, जीरो के लिए क्या जीरो के लिए अच्छी हो सकता है, बोलते जीवन में कभी शांत नहीं होंगे, समझा, क्या कितना टेक्निकल से सर, कितना डेप्थनेस ऑफ द कंसेप्ट इन्वॉल्व है, तुमने फर्स्ट ईयर पढ़ाई नहीं ढंग से, लेबोरेटरी में अचीव कर सकते हैं, नहीं जीरो केल्विन कैन नॉट बी अचीव इन हिस्ट्री, इट इज अनअचीवेबल, यू कैन नॉट रीच जीरो केल्विन इन हिस्ट्री, नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बिकम जीरो, एट जीरो केल्विन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस शुड बिकम जीरो, मतलब क्या, हाउ कैन यू अचीव, एक गैस डब्बे में डाला और उसको जीरो केल्विन कर, गैस गायब, गैस क्योंकि जीरो केल्विन में प्रेशर वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम गायब हो जाता है, हो नहीं सकता, वो अचीवेबल नहीं है, इट इज अनअचीवेबल जीरो केल्विन, दैट इज द लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स, लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल -273 डिग्री सेल्सियस, यानी जीरो केल्विन, ओके, कम बैक टू क्वेश्चंस, नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग, कम बैक टू दैट, नाउ साला बेसिक्स नहीं है, हाँ अभी क्या कर रहा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे, क्यों मूव कर रहे, मैं बोला क्यों मूव कर रहे, क्यों मूव कर रहे मालूम पड़ा कि नहीं, मूव कर रहे, अच्छी बात है, ओके अब आगे, सर मूव कर रहे थे तो मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डालने पर क्या हुआ, सारे गर्दी इधर हुआ, इधर 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 से जो रैंडम था अब एक अलाइनमेंट हो गया, यहां पे पॉजिटिव आ गया, मतलब एक्चुअली पॉजिटिव रहता नहीं है, नेगेटिव का खाली जगह को पॉजिटिव बोला गया, आई रिपीट, नेगेटिव के खाली जगह को पॉजिटिव बोला गया, हाँ मतलब इधर का जगह इधर खाया तो ये खाली जगह हुआ, उस खाली जगह को हमने कहा पॉजिटिव, डोंट हैव नॉनसेंस, जो यहां पे प्लस नेगेटिव चार्ज है, यहां पे प्लस चार्ज है, डोंकी नहीं, क्लियर ना, करेक्ट ना, हाँ ओके ठीक है, अब
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आया, ई इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस हुआ, इंड्यूस मतलब पैदा हुआ। कौन पैदा करवाया? एक्सटर्नल करवाया। अब वो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ वो एक्सटर्नल को कंप्लीटली अपोज करेगा। आई रिपीट, वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया, लगाया ना मैंने, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म लिया, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे एक्सटर्नल को कैंसिल करेगा। अब बोल, अगर मैं धा न्यूटन पर कूलम अप्लाई किया तो इंड्यूस्ड भी धा हुआ, तो अबे तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। सर लिख पर अप्लाई करने किए तो ना, हाँ करेक्ट है ना, गया नहीं गया? सर अगर वो इलेक्ट्रिक इस साइड से अप्लाई करते तो उधर जाएगा, तू इधर अप्लाई कर तो वो चेंज कर लेगा। अपोज करने के लिए जगह चेंज, हाँ बोल दो, तू कुछ भी कर तो मारेगा, मैं तेरे को मारेगा, तू ऐसा मार तो मैं ऐसा मारेगा, तू उधर मार तो मैं इधर मारेगा, तू इधर मार तो मैं उधर मारेगा, बट तू जो अप्लाई, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? कंडक्टर में, इंसुलेटर में बॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन गलत बोल रहा है, क्या क्या है वो, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मूव नहीं करते, क्योंकि वो इंसुलेटर मतलब फ्लो होने नहीं, मूव करने, फ्लो मत, मूव होने नहीं करते। अब आज क्लियर हुआ, मैं फर्स्ट चैप्टर से बोलते आ रहा हूं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, बट क्यों भाई? आज मैं तभी उधर कहा था, सेकेंड चैप्टर आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसका एक टाइम आना चाहिए, आज वो टाइम आया, तो सबको क्लियर है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों, क्या रीजन? क्योंकि जब एक्सटर्नल अप्लाई करेगा तो इंड्यूस्ड पैदा होगा, वो इंड्यूस्ड एक्सटर्नल को कैंसिल करेगा, वो इंड्यूस्ड एक्सटर्नल को कैंसिल करेगा। सर तो जगह उधर से भी आप कुछ कर सकते हैं, अभी गधे इधर से भी अपोज कर सकते हैं ना, नहीं अगर वो ऐसे अप्लाई कर तो इधर से भी कर सकते हैं ना, ऑफ कोर्स जो माइनस के साइड पे, क्या क्या अभी वो जगह क्यों चेंज करते हैं? कौन जगह चेंज किया? अभी आप बोले ना माइनस इधर आता है, माइनस इधर आया ना, तो फिर उधर से आप कोर्स करोगे, डायरेक्ट इधर से क्यों नहीं करते? डायरेक्ट किधर से? माइनस की जगह से, इधर से ही तो नहीं माइनस की जगह से ही अपोज करते हैं, बट हमारा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसको बताया? प्लस को दिखाया ना, तो प्लस मेरा इधर है तो इसका प्लस इधर है ना, ये तो सिर्फ डायरेक्शन है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन आई एम शोइंग लाइक दिस, ठीक है ना? ओके एवरीबॉडी ओके, एनी डाउट क्लियर? कौन सर हर बार एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? नहीं, तू तो तेरी इच्छा है, तू अप्लाई करना है कि नहीं करना है, पॉइंट बहुत सिंपल है, अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैग्नेट में आएगा, इसका बाप आगे, इसका बाप आगे का लेवल, फोर्थ चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड, तब हम अप्लाई करेंगे, तब ओ इसीलिए वो सब किया क्या, वो बाद में सब कनेक्शन निकलेगा धीरे 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 धीरे। अब हमने कुछ तो सर अप्लाई किया, और किधर किधर अप्लाई होता है? डिस्चार्ज ट्यूब, पहले जमाने के टीवी के जो डब्बे आते थे ना, ये डब्बा वाला टीवी है ना, ओल्ड तो सबका डब्बा भी वाला टीवी था, वैक्यूम ट्यूब्स करके वो नाम है, डिस्चार्ज ट्यूब्स करके, उसमें टीवी के फंक्शन करने के लिए ये चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड वो जमाने टीवी काम नहीं करता, ओल्डन डब्बे टीवी इसी के ऊपर काम करते, तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जहां पे इसका नॉलेज यूज किया जाएगा, ठीक है? वन एप्लीकेशन मैंने बोला टीवी का डब्बा, उसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तभी वो स्क्रीनिंग पे हमारा होगा, नहीं तो नहीं होता था। ओके, ये वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर यूज करते हैं? तो फिर अगर एक बार बंद पड़ गया तो मारते थे तो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं नहीं, वो सब मेरे को मालूम नहीं, वो सब तो मेरे को टेक्निकल नहीं पूछ सकता है, हम उसमें नहीं है, ठीक है? एनीवेज तो के और किसी कुछ पूछना इधर तक, तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बिहेवियर, हम क्या पढ़ रहे हैं? बिहेवियर। अब मेरे को एक बात बता दूं मैं,
क्या एग्जाम एग्जाम में जिंदगी में ये सब नहीं आता है। मैंने आज ही क्लियर, ये एग्जाम में कभी थ्योरी एग्जाम में आएंगे नहीं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पॉइंट्स एक्सप्लेन किए जा रहे ताकि कॉम्पिटिटिव स्ट्रांग हो, ताकि कॉम्पिटिटिव स्ट्रांग हो। करेक्ट है? ओके, ये तो हमने बिहेवियर पढ़ा, इधर तक ठीक है। बोल, किसी को डाउट है कुछ इधर तक? एनीथिंग टू स्पीक? आदि डिड आई क्लियर द डाउट? ओके, सेकंड, जस्ट आउटसाइड द सरफेस द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो मालूम है ना, ये तो मालूम ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? इज नॉर्मल टू द सरफेस। ये तो तुझे मालूम ही है, इज नॉर्मल टू द सरफेस। इसके लिए भी हर एक के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मेरे को अभी नहीं जानना है उतना सब, जरूरत नहीं है, पॉइंट्स याद करना है मेरे को। हाँ, यही मेरे को बात करना था, यही मेरे को बात करना था। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन अ कैविटी ऑफ ए हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर। हॉलो बहुत इंपॉर्टेंट, हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर। सर इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन अ कैविटी ऑफ ए हॉलो चार्ज कंडक्टर। क्या ब्यूटी है, देख, एक कंडक्टर है, ध्यान, अभी तो फील आएगा, इसीलिए तो मैं बोला आज का क्लास मिस मत करना, देख रहे मजा आएगा, प्रैक्टिकल फील देगा, रियल लाइफ। ये चार्ज कंडक्टर है, हा? और एक डब्बा है इधर अंदर, हॉलो है ना, खाली डब्बा है, एम्प्टी, हा? स्पेस, एम्प्टी स्पेस, और ये ऐसा एक मटेरियल भरा हुआ है इधर। अभी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इधर चार्ज है बट अंदर जीरो होगा, अंदर डब्बे के अंदर, हाँ, एम्प्टी स्पेस जो है ना उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा नहीं। देख पढ़, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन अ कैविटी ऑफ ए हॉलो चार्ज इलेक्ट्रिक। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या सर? ये क्या इसको क्या मतलब है, इसका यूज क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सर बोले तो मजा आएगा, देखा भी कार गाड़ी, देखा गया कार गाड़ी किसका मटेरियल का बना रहे थे ऊपर सरफेस? एल्यूमिनियम, मेटल, कार गाड़ी मेटल का बनाया ना के ये प्लास्टिक का बना दे कार, मेटल का, मेटल शीट्स का बना दे कि नहीं, इतना तो मानता है कि नहीं, हुँ? ये कार में बैठा है तू, हालांकि मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, मेरी भावना समझ जाना, करेक्ट ना, तो इधर बैठा है और बाहर बिजली चमक रही है, हाँ, तेरा कार है ये, तो कंडक्टर है, हाँ, तो अगर चार्जेस इधर आएंगे, अब लोग क्या बोलते हैं, बिजली पड़ेगी, सुना है कि नहीं कभी, तो बिजली पड़ती है, जोर से बारिश और बिजली गिर रही है, तू देख रहा है, तो ट्री के नीचे जाके छुपना, ये वो जो भी, जिंदगी में कभी ट्री कार से बाहर मत आना, जिंदगी में कभी कार से बाहर मत आना, रस्ते में मत आना, ट्री में मत छुपना, इसलिए फिजिक्स क्लास बैठना जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये बाहर का सरफेस है ना, ये बाहर का सरफेस, तू अंदर है, तेरे को जिंदगी में कभी इलेक्ट्रिसिटी शॉक नहीं लगेगा, क्यों? कंडक्टर है, ये हॉलो कैविटी हो गया, तो तेरे को शॉक लगेगा ही नहीं, तेरे ऊपर बिजली गिरेगी ही नहीं, मतलब तू कार के अंदर ही प्रोटेक्टेड है, कार के बाहर गए तेरे ऊपर बिजली गिर सकती है, तो कार के बाहर नहीं जाना है, इट मींस कार के अंदर इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कैविटी इज जीरो, तो बाहर कुछ भी पढ़ने दे, हमारे को अंदर कुछ नहीं होगा, हम सेफ है, तो बिजली पड़ेगी तो कार के बाहर नहीं जाना है, कार के अंदर ही रहना है, ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब थोड़ा थोड़ा फील आता है, हाँ, एक और मैं फील देता हूं, बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जहां पे टू ट्रांसपोर्ट कर रहा है। आई रिपीट, बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट, ये वो टेक्नोलॉजी किधर किधर गया है ना, मैग्नेट, इलेक्ट्रिक, जो भी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट है। ओके, और तू चाहता है कि वो अनअफेक्टेड रहे, तो तू क्या करने का, एक कंडक्टर लेने का, और कंडक्टर के अंदर वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट डाल देने का,
तो बाहर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो ये कंप्लीटली सेफ। बाहर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगने दे, अंदर का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस से, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस मतलब क्या, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो क्रिटिकल कंपोनेंट है वो हमेशा सेफ रहेगा। इसका एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता सकते हैं। ओके, एक वायर ले ले, ओके तू मान ले एग्जांपल दे रहा हूं, ओके एक वायर ले ले और एक वायर ले ले, ओके ये हॉलो है, यहां पे कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहे कम्युनिकेशन के लिए, हाँ, और बाहर कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए, हाँ, तो ये डिस्टर्ब होंगे, तो हम क्या करते हैं, बाहर वाले को हम अर्थ कर लेते हैं, जैसे ही बाहर वाले को अर्थ करेगा तो ये तो न्यूट्रल हो गया, तो अंदर के सिग्नल्स अफेक्टेड नहीं है। ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, करेक्ट है। ओके, ये सारे मतलब ये पढ़ने के लिए नहीं है सिर्फ, इसका यूज बहुत जगह है, कैसे कैसे क्या क्या यूज करते रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैविटी ऑफ ए हॉलो चार्ज कंडक्टर इज T0, करेक्ट है। बोलो बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट गया, बोल सबको गया। अब लग रहा है कुछ, ओहो क्या क्या पढ़ाई, कैसे कैसे नॉलेज अप्लाई हो रहा है आज, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इतने दिन सब ड्राई ड्राई चल रहा था, आज थोड़ा मैं बोला, इसलिए मैं बोला अभी तो बहुत सारी चीजें बोलनी है, मैं ये भी नहीं बोला पोलर नॉन पोलर का, वो भी बोलना है, अभी टाइम आएगा। सर 3D का कुछ बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन है, 3D मतलब आद्या 3D मतलब 3D मूवी देखते हो, पूछ रही हो तुम 3D मूवी का एक्सप्लेनेशन पूछ रही हो, हाँ नहीं इलेक्ट्रिक थर्ड का कोई एक्सप्लेनेशन बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन है, यस नो बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन का पॉइंट यही है कि ना आद्या पॉइंट इज वेरी सिंपल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ऑलवेज जीरो। सी आई टोल्ड यू नो व्हाई, वो तो फर्स्ट पॉइंट का ही कनेक्शन आएगा, फर्स्ट पॉइंट का ही कनेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, तो वो लगेगा ही नहीं ना। ओके नेक्स्ट और क्या क्या है, पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस, यस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट विद इन एंड इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। मैंने ये कॉन्सेप्ट दो वे से मेथड से एक्सप्लेन किया था, याद है मैंने कहा था तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस DV/dr, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ाया था। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डी मतलब डिफरेंशिएशन, इधर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें पहले भी डिस्कस हो चुकी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब आएगा, बेसिक्स ऑफ मैथ्स बात कर, किसी का भी वैल्यू जीरो कब आता है अगर वो डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट करेगा, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है, फॉर्मूला है E इज इक्वल टू DV/dr, V कॉन्स्टेंट है करके ये जीरो है, अगर ये कॉन्स्टेंट नहीं होता तो ये जीरो नहीं होता, तो पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट विद इन एंड इनसाइड दी, मतलब एक चार्ज कंडक्टर ले ले, सर बोले तो क्या, देख बोले तो एक चार्ज कंडक्टर ले ले, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो, क्या पोटेंशियल भी जीरो है, गधेड़े इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है नॉट जीरो है, इसलिए क्या बोला, इट इज कॉन्स्टेंट विद इन इधर तक सरफेस तक, उसके बाद पोटेंशियल चेंज होगा, बाहर पोटेंशियल अलग रहेगा बट पूरे सरफेस में, इसीलिए ग्राफ कैसे आएगा पता है, जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल रहा हूं, पोटेंशियल एंड रेडियस डिस्टेंस, ग्राफ ऐसे आएगा फिर ऐसा ही रहेगा, बाहर जाएगा तब, करेक्ट बाहर जाएगा तब ये गिरेगा ऐसा, तब तक अंदर कॉन्स्टेंट रहेगा, ये ग्राफ कल का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो मैं ड्रॉ किया था कॉम्प्लीट में ड्रॉ किया था, छोड़ जाने दे इधर नहीं बात करेंगे, ओके एनीवे वो हम ग्राफ का अलग सेक्शन के लेके एक्सप्लेन करेंगे, विल टेक अ डिफरेंट सेक्शन फॉर ग्राफ, बोल
कॉन्सेप्ट क्लियर है? फोर्थ पॉइंट भी, एनी अदर पॉइंट आई स्किप्ड, आई विल जस्ट टेक. नेट चार्ज इन इंटर इलेक्ट्रिक जीरो एंड एक्सेस चार्ज इज ऑलवेज रिजल्ट ऑन द सर्फेस. पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट बोला. इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी, इन द कैविटी बोला. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस इज प्रोपोर्शनल टू सर्फेस चार्ज डेंसिटी. यस, ये हम उसमें लेंगे, पोलर नॉन पोलर में लेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस इज प्रोपोर्शनल टू सर्फेस चार्ज डेंसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय सर्फेस चार्ज डेंसिटी? सिग्मा क्यू बाय. पॉइंट क्या है मैं बता ही देता हूं, इधर जाने दे, मैं बता ही देता हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बता ही देता हूं. पांचवा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू ऑफ अ कंडक्टर. क्या लिखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, एट द सर्फेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, एट द सर्फेस ऑफ चार्ज कंडक्टर और इज प्रोपोर्शनल टू, इंक खत्म हो रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू सर्फेस चार्ज डेंसिटी, इज प्रोपोर्शनल टू सर्फेस चार्ज डेंसिटी. हाँ, इसका मतलब क्या? सी, एक चार्ज, एक कंडक्टर है, यहां पे बहुत सारे चार्जेस है, तुम और एक ऐसा है और एक कंडक्टर है, यहां पे कम चार्जेस है. तुम मेरे को बोल सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या. फर्स्ट चैप्टर वापिस, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन बाय क्यू बाय ए. तू दोनों का 1 मीटर स्क्वायर ले, लॉजिक है एकदम लॉजिकली, दोनों का 1 मीटर स्क्वायर ले, ये 1 मीटर स्क्वायर है, ये भी 1 मीटर स्क्वायर. फर्स्ट में ज्यादा चार्ज के सेकंड में ज्यादा चार्ज, पोस्टर देख, फर्स्ट में ज्यादा चार्ज. अगर फर्स्ट में चार्ज जाता तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, ज्यादा चार्जेस तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, कम चार्जेस यानी कम इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर, इन शॉर्ट इसका मीनिंग क्या, इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है. कहानी का सार क्या था, बट ये घुमा फिरा के बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज अपॉन एरिया. अगर एरिया कॉन्स्टेंट है, दो केस ले, एरिया दोनों का सेम है बट इधर चार्जेस जास्ती है, इधर चार्जेस कमी है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा. तो इतना घुमा फिरा के बोलने के बदले क्या बोलने का था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज. बट वो ऐसा नहीं बोलता है, जो नोट्स में दिया है, बुक्स में दिया गया है, मैंने जस्ट उसको लोकल भाषा में समझाने की कोशिश की. बिहेवियर समझा, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड समझा, कैसे कैसे क्या क्या बिहेव करता है. ओके, ऑल क्लियर. हालांकि एक भी क्वेश्चन कॉम्प थ्योरी के लिए नहीं आएगा, ये हमारे एग्जाम के लिए नहीं आएगा, बट ये सब पढ़ने के बाद हमारा कॉन्टेंट, हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है, क्लियर होता है, स्ट्रांग होता है. कल कुछ भी प्रॉब्लम अप्लाई करने के पहले ये सारी चीजों की जानकारी हमारे नॉलेज में रहती है, तो उसके हिसाब से ये आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऑल दैट मेक्स आवर कॉन्सेप्ट क्लियर एंड स्ट्रांग. क्लियर? ओके.